देखिए आगे बढ़ेंगे। बागिन टी 114 की शावकों की जल्द होगी रिवाइजिंग। आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का यहां पर बड़ा असर। दरअसल एलटीसी के एचएस नेगी और पीसीसीएफ एंड सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू पवन उपाध्याय कल से 3 दिन के रामगढ़ विषधारी के दौरे पर। बागों की रिवाइजिंग सरिस्का के एसटी 2303 की ट्रांसलोकेशन, रणथंबोर से बागिन की शिफ्टिंग, एनक्लोजर और कोर क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके बाद टी 114 की फीमेल शावक रामगढ़ विषधारी में शिफ्ट होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे इस वक्त की। आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का यहां पर दरअसल असल देखने को मिला है। बागिन टी 114 के शावकों की जल्द ही रिवाइजिंग होगी। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, अगर बात करें बागिन टी 114 की, तो इसके शावकों की जल्द रिवाइजिंग होगी ऐसी सूचना यहां पर मिल रही है। पूरी खबर पर अपडेट चला दीजिए। देखिए इंदु, टी 114 की मौत के बाद उसके दो जो शावक हैं उनको रिवाइल्ड किया गया था और कोटा के अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में भेजा गया था और उनको वहां से शिफ्ट किया गया था। तो कोशिश ये थी कि उनको कब रिवाइल्ड किया जाएगा, क्योंकि 19 महीने से ज्यादा की उम्र उनकी उम्र होगी, उसमें एक मेल शावक है एक फीमेल। और देखा यह गया है वाइल्ड लाइफ के अंदर जो मेल शावक होता है वो तो 1.5 साल के अंदर अपनी माँ को वैसे ही छोड़ देता है, ऐसे में उसकी उम्र 19 महीने से ज्यादा हो गई, तो उसको रिवाइल्ड करना बड़ा मुश्किल था। इस पूरे मुद्दे को फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार उठाता रहा था कि आखिर इन दोनों शावकों को कब रिवाइल्ड करेंगे। तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने एनटीसीए के जो एचएस नेगी है वो कल वहां पहुंच रहे हैं रामगढ़ विषधारी। उसके अलावा जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है पवन उपाध्याय, वो भी अगले 3 दिन तक, वो और एचएस नेगी वो अगले 3 दिन तक रामगढ़ विषधारी में रहेंगे। वहां देखेंगे एनक्लोजर्स की व्यवस्था किस तरह से है, किस तरह से वहां अगर रिवाइल्ड किया गया टी 114 का जो नर शावक है जो सब एडल्ट हो चुका है उसको तो रामगढ़ विषधारी भेजना है और जो फीमेल है उसको मुकंदरा भेजनी है, तो क्या उनको वहां ट्रांसलोकेट करके उसमें अगले 3 दिन तक वो जायजा लेंगे। साथ ही साथ सरिस्का का जो बाग है जो एसटी 2303 जो पिछले करीब 10 दिन से वो हरियाणा के अंदर पड़ाव डाले हुए हैं वो ट्रैक हो चुका है लेकिन ट्रैंकुलाइज नहीं हो पा रहा, तो जैसे ही वो ट्रैंकुलाइज होगा उसके लिए भी ऑर्डर निकाल दिए गए कि उसको यहाँ से रामगढ़ विषधारी शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बाघ ऐसा है जो पहले जनवरी में इसी रास्ते पर निकल आया था उसके बाद अब दोबारा वहां गया है, तो चूंकि इसके लिए रास्ता जाना पहचाना हो गया और इसने अपनी टेरिटरी की तरह इसको बना लिया है, तो ऐसे में लगातार वहां ग्रामीणों से इसका सामना ना हो, क्योंकि पहली बार इसने एक को घायल किया था जब जनवरी में गया था और इस बार गया तो 5 लोगों को घायल किया, तो ऐसे में इसका बार बार ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ना हो ह्यूमन के साथ, तो उसको भी ट्रांसलोकेट करने के आदेश जारी कर दिए गए। उसको कुछ दिनों के लिए रामगढ़ विषधारी एनक्लोजर में रखा जाएगा और उसके बाद उसकी हार्ड रिलीज कर दी जाएगी। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज खबर के तौर पर हम कह सकते हैं, खबर के असर के तौर पर, कि कल तीनों। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर अपडेट आपने दिया कि किस तरह से रिवाइजिंग यहाँ पर होगी एनक्लोजर और कोर क्षेत्र में भी। देखिए यहाँ पे व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा।